माता रानी का फेस देखो यार, कितना प्यारा बना हुआ है यार। कर भोले भी देखो यार, कलर देखो। हालांकि अभी आंख खुल नहीं पाए हैं, लेकिन बब्बर से आपने शायद ही देखा होगा। मैं तो भाई कितना डिटेलिंग में बनाए हुए हैं, देख लो पूरा सेट देखो आप लोग। इनका जो फेस है, फेस कर देखो माता रानी का। ये पैर देखो, लग रहा है कि रियल के हाथ है भाई। एक ही वेलकम बैक ब्लॉग ट्रॉपे को फिर सभी का स्वागत है। कुमरदा पहुंचे हैं और ये देखो धमतरी की रानी की मूर्ति चढ़ चुकी है। ये अभी धमतरी जाने वाली है। मूर्ति हमारे आने से पहले गाड़ी में रख चुके हैं। देखो भाई साहब कितनी प्यारी मूर्ति बनी हुई है यार, वाकई में यार। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे मुर्मुदा का मूर्ति दिखाइए करके, मूर्तिकार से मिलाइए करके। तो अपन मिलेंगे, मूर्ति भी देखेंगे। फिलहाल ये देखो धमतरी की रानी कितना सुंदर बना हुआ है यार। माता रानी का फेस देखो यार, कितना प्यारा बना हुआ है यार। मानना पड़ेगा भाई साहब, एक एक चीज यहाँ पे दर्शाए हुए हैं। तो शंकर भोले भी देखो यार, कलर देखो, कलर सूरत दिया गया है। सजावट तो देख ही रहे हैं आप। और ये देखो भाई पूरा सेट देखो आप लोग, कितना प्यारा सेट बना हुआ है। बब्बर सेट के ऊपर में गणपति महाराज जी विराजमान है, शंकर भोले है, और बनावट तो देख ही रहे हैं आप लोग। अभी शुरुआत में जो मूर्ति दिखाया वो मूर्ति आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी देखो ये मूर्ति में अभी व्हाइट पुट्टी हो चुकी है, और फिनिशिंग देखो यार, यहाँ की जो फिनिशिंग जो दिया गया है ना पूरा मूर्तियों में, हाथ में देखो, हाथ के पूरे एक एक चीज दिखाई दे रहे हैं। देखो शायद ही देखा होगा भाई, अभी तक इतने सारे मूर्ति का मैंने ब्लॉग शूट किया था, लेकिन ये जो मूर्ति ना बहुत ही ज़्यादा खास है, क्योंकि जो कलाकार है भाई इस मूर्ति में पूरा जान डाल के रखे हुए हैं। ये तो फिर भी अभी व्हाइट पुट्टी हुआ है इसमें, अभी आप लोगों को अंदर ले चलूँगा, अंदर की जो मूर्ति है वो दिखलाऊंगा मैं, हर एक चीज़ आप लोगों को मैं। अभी देखो व्हाइट पुट्टी में देखो किस तरह से बना हुआ है, और कलर में देखना भाई, कलर का कलर जो देते हैं ना मूर्तियों में भाई, वो सोच के देते हैं ना कि पूरा मैच करता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर अभी कलर दिया जा रहा है। भाई साहब दिखाता हूँ ये वाली मूर्ति आप लोगों को मैं, किस तरह से यहाँ पर सजाए हुए हैं, बारीकी से दिखाता हूँ मैं मूर्ति देखो आप लोग। हालांकि अभी आंख खुल नहीं पाए हैं, लेकिन मूर्ति देखो आप लोग, कलर देखो, चेहरे के हिसाब से बॉडी के हिसाब से पूरा कलर दिया गया है। और शेर देखो इस तरह से, बब्बर शेर आपने शायद ही देखा होगा, मैं तो भाई पहली दफ़ा इस तरह का बब्बर शेर देख रहा हूँ। देख लो हूबहू बब्बर शेर साक्षात प्रकट हो चुके हैं, एक चीज़ डिटेल में बनाया गया है। ये देखो हाथ देखो इनका, पूरा डिटेलिंग में दिया गया भाई, हाथ हो गए, फेस देखो आप लोग, ये जो फेस देखो, हर एक चीज छोटे छोटे चीज़ों को पूरी बारीकी से दर्शाए हुए हैं पूरा मूर्तियों में। और अभी जैसे कि आप देख रहे हैं कि कलर चल रहा है, तो भाई लोग खुद ही हर चीज़ करते हैं, कोई अलग से कारीगर रखे नहीं है, जो भैया हैं वही काम करते हैं। और इनके एक और भाई हैं, इसमें अभी आँख खुलने में टाइम है, तो जब आँख खुलेगा तो अगर यहाँ मैं रहूँ आप लोगों को जरूर दिखलाऊंगा। लेकिन ये मूर्ति आप लोगों को कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये फैन हो गया इनका भाई मूर्ति देखकर, मतलब कि जितना वीडियो में दिख नहीं रहा ना उतना भैया नाकों से देखोगे ना हर एक चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगा। इतना चौंक धमतरी की ये मूर्ति है जो अभी तैयार हो रही है, फिलहाल के लिए तैयार हो नहीं पाया है भाई। अभी माता रानी को देखो, और यहाँ राक्षस भी देख रहे हो भाई साहब, क्या खतरनाक बना के रखे हुए, हर एक चीज कितना डिटेलिंग में बनाए हुए हैं। देख रहे हो इसका फेस देखो यार, राक्षस का पूरा डिटेलिंग में बनाए हुए हैं, अभी तो ये अनकम्प्लीट है। और इनके जो हाथ है ना वो देखो यार, ये देखो बड़े बड़े नाखून, और जो अपने हाथ में होते हैं ना इस तरह से पूरे इसमें दर्शाए हुए यार, हर एक चीज़ जो देखने योग्य है। ये देखो भाई साहब, ऐसा लगेगा ना कि रियल का है करके, मानना पड़ेगा यार, इतने बारीकी से बनाए हुए ना, मन प्रसन्न हो गया ये मूर्ति देखकर। और नीचे में भी देखो यहाँ पे बब्बर शेर भी है यहाँ पे, और माता रानी तो अभी अनकम्प्लीट है क्योंकि आप देख पा रहे हैं, तो भैया जी इसमें अभी काम करने वाले हैं। और ये पूरा सेट देखो आप लोग, इस तरह से पूरा ये सेट बना हुआ है, मानना पड़ेगा यार,
कलाकारी को। और शेर के ऊपर में माता रानी विराजमान है और इनका जो फेस है, फेस कर देखो इतना प्यारी लग रही माता रानी। और जिस हिसाब से फेस बना हुआ है उस हिसाब से यहाँ पे कलर भी दिया गया है, मतलब कि इंसान का जो बॉडी होता है ना वो यहाँ पे पूरे दर्शाए हुए हैं भाई साहब, हूबहू वैसी बना हुआ है। और यहाँ पे करधन सांठी बिछिया, पैर देखो आप लोग माता रानी का, ये पैर देखो ऐसा लगेगा कि रियल का पूरा पैर है। क्या बात है, रियल का पूरा पैर है भाई। टी वी में देख रहा हूँ भाई, टी वी इतना परफेक्ट बनाए हुए है ना कि भाई तारीफ के लायक है भाई साहब। दो माता रानी हैं और इनका फेस देखो भाई साहब, हालांकि अभी आंख खुल नहीं पाए हैं, आंख खुलने में अभी समय करके भैया बता रहे हैं, लेकिन पूरा हूबहू ऐसा लग रहा है कि कोई महिला खड़ी है करके। ये देखो पैर भी देखो इनके भाई साहब, हर एक चीज़ डिटेलिंग बनाए हुए हैं यार, मानना पड़ेगा। हाथ देखो इनके, ऐसा लग रहा है कि रियल के हाथ है भाई साहब, डिटेलिंग बना के रखे हुए हैं, ऐसा लगेगा नहीं कि मूर्ति है। आँख खुल जाते तो और रियल लगता अपने को। और यहाँ भी देखो माता रानी, इनका भी फेस देखो भाई साहब, पूरा हमारे वीडियो के माध्यम से बहुत कमेंट आ रहे थे कि यहाँ का वीडियो बनाइए करके, तो मैं आया हूँ भाई। हमारी भिलाई से लगभग 110 किलोमीटर पड़ जाता है। ये वाली मूर्ति भी देखो, अभी अनकम्प्लीट है ये मूर्ति, लेकिन भाई बनावट में देख रहा हूँ यार, तारीफ के लायक है भाई साहब बनावट, हर एक चीज़ डिटेलिंग में है यहाँ पे। मतलब कि खुद आकर जब देखोगे ना भाई, आपको ऐसा लगेगा कि बनाने वाले वाकई में इंसान हैं, क्योंकि हम लोग इतने सारे मूर्तिकार के पास गए हैं मूर्ति का वीडियो शूट करने के लिए, लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पे डिटेलिंग जो दिया गया है ना, वो डिटेलिंग हम कहीं देख नहीं पाए भाई सब अभी तक। हम थनौत गए हैं, माना गए हुए हैं, औंधी भी गए हुए हैं, ऐसा नहीं बोलता कि मूर्ति बेकार बनाते हैं, लेकिन जो डिटेलिंग होती है ना, और जिस हिसाब से साड़ी होती है, जिस हिसाब से फेस होता है, उस हिसाब से जो कलर दिया जाता है यहाँ पे भाई, मानना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे देखो कलर किस हिसाब से दिया गया, कलर राक्षस पे जिस हिसाब से कलर देना चाहिए, माता रानी पे कलर देना चाहिए, यहाँ पे अच्छे से काम किया जाता है और डिटेलिंग में भी अच्छे से काम किया जाता है। तो ऐसा लगता है जो मूर्ति ना हूबहू साक्षात माता रानी प्रकट हो चुकी है। चतुर्थी पे तो मैं नहीं आ पाया था, लेकिन नवरात्रि के दिनों में काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि सर यहाँ का मूर्ति का व्लॉग बनाइए करके, तो मैं आप लोगों को दिखाने के लिए पहुँच चुका हूँ। और ये देखो मूर्ति अनकम्प्लीट है, लेकिन फिर भी देख लो किस हिसाब से यहाँ पे डिटेलिंग में पूरी मूर्ति तैयार हो रही है। ये देखो पूरा सेट देखो आप लोग यार, अभी अनकम्प्लीट है, और इस तरह से अनकम्प्लीट मूर्ति भी आपने नहीं देखा होगा। अनकम्प्लीट में भी ऐसा लग रहा है कि पूरा डिटेलिंग दिया गया करके। ये देखो यहाँ भी माता रानी है भाई साहब, एक से बढ़कर एक माता रानी है यहाँ पे। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कहाँ का व्लॉग देखना ये भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं।